गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है दोस्तों। जो कि आज जा रहा हूँ कुछ शहर में घूमने, तो बहुत दिन के बाद वीडियो नहीं बना रहा था, आज बना रहा हूँ। जो कि वहाँ जाके क्या क्या काम करने को मिल रहा है वो सब मेरे को मौका, तो उसका भी आप लोग को दिखाऊँगा। तो कैसी दिखेगा उसको मैं दिखाऊँगा इजेट करके, जो कि अभी जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं हुंडा गांव, जो कि उमरकोट मार्ग से जाता है। इस ये वाला रोड ये सिंगनपुर के पास की रोड है और हम जस्ट पहुंचने वाले हैं मंदिर, शिव मंदिर के पास। तो भगवान प्रकट है इसमें शिवलिंग, तो कुछ इस तरह की मंदिर बना हुआ है, प्रसिद्ध है गांव के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह की खूबसूरती नज़ारा, देखने में मस्त आनंद आता है और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की रोड है हमारे गांव की, मतलब उमरकोट मार्ग रोड एकदम अच्छा सा सफाई से है। आप लोग देख के महसूस लिंग को समझ सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह के हमारे गांव के रोड है, तो आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ। तो हम चिपाउंड पहुँच चुके हैं, तो मैं कैमरा को उल्टा पीछे साइड से ले रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, सामने से दिक्कत हो रहा है इसलिए। तो ऐसे में मैं देखने में वैसे लग रहा है जैसे सामने में देखते हैं वैसे ही। तो गाड़ी पीछे से देख रही है, आज पीछे से ही करने के लिए सोचा था इसलिए पीछे से शूट कर रहा हूँ। देख सकते हो आप यही आसपास के हो तो इस नज़ारा को देख के समझ गए होंगे। तो गाड़ी गाड़ी पूरा इसको बाजार बटने की पास की है, तो बिल्डिंग मस्त ऊपर ऊपर से है, देखने में काफी सुंदर लग रहा है। बस उमरकोट मार्ग वाला है, कुछ इस तरह की सिटी है, काफी सुंदर है, देखने में अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह की खूबसूरत नज़ारा। तो हम कोंडागांव सिटी ये बपना गाँव कोंडागांव सिटी जा रही हैं, तो वहाँ कैसे शूट हो जाता है तो देखते हैं। और आगे बपना के घर देख के समझ सकते हो, आप कभी इस रोड से गए होंगे तो कुछ इस तरह के देखने को मिल रहा है आप लोग को, बहुत ही आनंद आएगा। तो दोस्तों देख सकते हो रोड उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा खराब खराब दिख रहा है, कोई कोई पास अच्छा है, कोई कोई पास अबड़ कपड़े है। तो दोस्तों देख सकते हो मस्त दिख रहा है, देखने में काफी सुंदर लग रहा है। मैं रोड का शूट किया हूँ जो कि मेरे को करने को मन किया इसलिए कर दिया है। एक कोंडा गांव की सीन है, देख सकते हो कुछ इस तरह की चमक बपना की है, तो बहुत दूर है कोंडागांव पहुंचने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो तो कुछ इस तरह की टेंट डाली है, तो रोड की नजारा देख दिखा रहा आप लोग को। ये सामने से आ रहा है बड़ा गाड़ी,
10 चक्का बोल सकते हैं, ये बड़ा गाड़ी है, मंडी के पास है, रोड से बहुत लोग जा रहे हैं, तो हम भी काम से जा रहे हैं और लोग भी काम से जा रहे हैं। ओ भाई भाई भाई, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ओ हमारे पीछे से कार आ रहा है, हमको पार कर दिया। हम पहुंच ही गए कुंडागांव, देख सकते हैं कुछ इस तरह के देखने को मिल रहा है आप लोग को। तो दोस्तों आप लोग को बताने के क्या अभी बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खूबसूरती ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत आनंद आएगा। तो इस वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। तो हम पलारी पहुंच चुके हैं, इसको पलारी के नाम से जानते हैं। तो बहुत गाड़ी आने लग रहा है। तो आप सिटी पहुंच गए तो बहुत ही गाड़ी आएंगे। तो कुछ इस तरह के तो दोस्तों देख सकते हैं, कुछ इस तरह के देखने को मिल रहा है आप लोग को, बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों देख सकते हो, तो आज का वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है। तो इस तरह के जा रहे हैं चलाने लोग, तालाब के पास किया ये रोड। हम जस्ट पहुंचने वाले हैं नाका, जो कि उमरकोट की नाका के नाम से ही जाना जाता है। तो मस्त चींद लाइट तार ऊपर देख सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, अच्छा भी है और मस्त भी है देखने में। और ऊपर ये पास पोस्टर टंगा हुआ है, देख सकते हो कुछ इस तरह की नज़ारा, काफ़ी सुंदर है। यह पोस्टर बोरिंग गाड़ी नल गाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये पास नाका है, नाका तो बंद नहीं रहता है, चालू ही रहता है, गाड़ी और पर होते रहता है। ये पास बहुत बस रहता है, गाड़ी रिपेयरिंग होते रहता है। तो ये पास नाका देख सकते हो, डंडे ऊपर है। तो हम पहुंच ही गए कुंडागांव, कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है आप लोग को। तो काफ़ी सुंदर ही लग रहा है होगा आप लोग को भी, तो हमको तो आनंद आ ही रहा है। तो बहुत दिनों के बाद एक दिन जाने से कुछ अलग ही फीलिंग होता है रोड में भी। तो और कभी अच्छा से दिखाऊंगा आप लोग को, क्योंकि देखने में भी काफ़ी आनंद लगेगा और सुंदर लगेगा। तो ये पास है कलेक्टर ऑफिस, तो न्यू न्यू बिल्डिंग बन रही है सर, मस्त स्मार्ट सिटी बनने की कोशिश है, तो ऐसे लग रहा है मेरे को। तो दोस्तों देख सकते हो, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और मस्त दिख रहा है। तो कुछ इस तरह की सिटी है। तो गाड़ी बहुत आ रही है सामने से, तो स्कूल के पास पहुंच गई हैं, देख सकते हो अंदर में टेंट लगा है स्कूल के बाउंड्री के अंदर, शादी कुछ हो रहा होगा। तो कुछ इस तरह के देखने को मिल रहा है आप लोग को, मस्त खूबसूरती नज़ारा, क्योंकि पीछे के ओर से ही शूट किया हूँ जी, कुछ सामने से नहीं किया हूँ। तो मैं उल्टा करने की कोशिश किया हूँ पीछे से, तो इसलिए आज पीछे से ही दिखा रहा हूँ, अगली बार होगा तो सामने से दिखाऊँगा। अगर सबको पसंद आया है तो लाइक करें, और नया हो तो सब्सक्राइब करें, और जो पहले से देखते हो तो कमेंट करें, धन्यवाद। तो मेरा वीडियो आज यहीं तक होता है, तो अगले वीडियो में आप लोग को पूरा दिखाऊंगा, जो कि अब कोंडागांव सिटी आई बी रोड में पहुंच गई है, आप लोग देख के समझ सकते हो।